चार महीने से लापता था ये कॉमेडियन। टीवी इंडस्ट्री में सेल्फी मौसी नाम से फेमस सिद्धार्थ सागर पिछले चार महीने से लापता थे। अचानक से उनके दोस्त ने फेसबुक पर मदद मांगी और फिर आए कई सारे सच सामने। लेकिन हाल ही में खुद सिद्धार्थ सागर सामने आए और उन्होंने बताया कि आखिर इन चार महीनों में क्या क्या हुआ उनके साथ, उनकी मां ने किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया, क्या कुछ झेलना पड़ा दूसरों को हंसाने वाले इस कॉमेडियन को। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सेल्फी मौसी के रूप में हिट हुए कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर के अचानक गायब हो जाने से तहलका मचा। उसके बाद सिद्धार्थ सागर ने पहले वीडियो के माध्यम से अपनी स्थिति के बारे में लोगों को बताया, लेकिन अब रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी जिंदगी की जानकारी दी। सिद्धार्थ ने अपनी माँ पर कई आरोप लगाते हुए बताया कि इसकी शुरुआत तब हुई जब उनकी माँ की जिंदगी में सुयश नाम का बॉयफ्रेंड आया। सिद्धार्थ के दोस्त ने इससे पहले भी बताया था कि उसकी माँ और उसके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ को टॉर्चर करते थे, टायर से बांध कर मारा करते थे। बता दें कि सिद्धार्थ के माता पिता 20 साल से अलग रह रहे हैं। सिद्धार्थ अपनी माँ से काफी करीब थे, इसीलिए इसके बाद से वो काफी डिप्रेशन में चले गए थे। वो एक बुरे दौर से गुजरे हैं, ये कहना है सिद्धार्थ का। उन्होंने अपनी माँ को बताया था कि वो परेशान चल रहे हैं, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें दवाइयों पर रखना शुरू कर दिया और जबरदस्ती इस बात का एहसास करवाया कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है। उस वक्त वो दुखी रहने लगे और खुद भी काफी चौंक गए थे कि आखिर मैं वो इंसान हूं ही नहीं जो इस तरीके से रहता है। उन्होंने कहा कि वो इस बीमारी के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें खुद में ऐसे कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। उसके बाद उनकी माँ, उनके बॉयफ्रेंड ने उनके खाने में ड्रग्स मिलाकर देना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी कमाई का हिसाब किताब खुद नहीं संभाला। घर पे हमेशा प्रॉपर्टी का विवाद रहा। उनकी माँ को प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर कुछ न कुछ समस्या रहती थी। पैसों को लेकर उनकी माँ कभी भी क्लियर नहीं रही। यहाँ तक कि सिद्धार्थ भी जो कमाते थे वो घर पर ही देते थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें खुद का भी लोन भरना पड़ता था और उनके माँ के उनके बॉयफ्रेंड का लोन भी भरना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे बाद में सिद्धार्थ को समझ में आया, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी माँ उन्हें परेशान कर रही है। इस दौरान सिद्धार्थ ने कहा कि वो इतने अधिक डिस्टर्ब हो गए थे कि उन्होंने तय किया कि अब अपने घर से बाहर चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही उनके घर वालों ने उन्हें रिहैब सेंटर भेज दिया। सिद्धार्थ को भी लगा था कि रिहैब में शायद वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन सिद्धार्थ के साथ वहां पर और भी बुरा हुआ, स्थिति और खराब हो गई। रिहैब में उनके साथ गलत व्यवहार होता था, वहां के कुछ लोग उन्हें मारा करते थे। फिर सिद्धार्थ के मैनेजर ने उन्हें वहां से निकालने में मदद की। जब वो घर पर होते थे तो सुयश यानी कि उनकी माँ के बॉयफ्रेंड से उनकी खूब लड़ाई होती थी। उनकी जिंदगी धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे में जब सिद्धार्थ गोवा के लिए रवाना हुए तो उन्हें इन लोगों ने अपहरण कर पागल खाने में भेज दिया था। जी हाँ, पागल खाने में अपहरण करके भेज दिया गया था सिद्धार्थ को, जहाँ उन्हें काफी टॉर्चर किया गया। लेकिन जब उनकी माँ को ये जगह महंगी लगने लगी तो उन्हें आशा की किरण नाम की जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ के लोगों ने उन्हें नई शुरुआत करने के लिए प्रेरणा दी। सिद्धार्थ ने कहा कि अब उनकी कोशिश है कि वो नए तरीके से अपने काम की शुरुआत करें, लेकिन अपने परिवार से दूरी बनाए रखें। तो इस तरीके से सिद्धार्थ ने ये सारी बातें बोली हैं, इन सारी चीजों का खुलासा किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये सेल्फी मौसी सिद्धार्थ एक बार फिर से ठीक हो जाएं और ठीक होकर सबको हंसाएं, और जिस बुरे दौर से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, गुजर रहे हैं, वो सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।